क्या पढ़ेंगे? इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ेंगे? क्या होता है इक्विलिब्रियम? सर नेट फोर्स जीरो रहता है, बॉडी मूव नहीं करती है, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या होता है बेटा इक्विलिब्रियम? पढ़ाया हूं अभी सॉल्यूशन में। क्या होता है इक्विलिब्रियम? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के क्या होता है बेटा? इक्वल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और दूसरी चीज आपको कैसे पता चलेगी कि इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, है ना? स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इक्विलिब्रियम। अब देखो इक्विलिब्रियम अगर आप लोगों को समझना है ना, तो पहले आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि इस पूरी दुनिया में दो टाइप के रिएक्शन हमको मिलते हैं, एक रिएक्शन जो बोलते हैं और एक को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल बोलते हैं। बात समझ में आई क्या? इररिवर्सिबल रिएक्शन मतलब जैसे मेरे पास रिएक्टेंट ए है और वो रिएक्टेंट क्या कर रहा है बेटा? बी फॉर्मेशन कर रहा है। एक ही डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, दोनों डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस, क्या बोलेंगे इसको? इररिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलेंगे? जब दोनों डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप होता है, ए से बी बनता है, अपने आप बी से ए बनता है, कोई जबरदस्ती करवा नहीं रहे, अपने आप। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, समझ में आया? तो ए जो है बेटा रिएक्टेंट, वो बी फॉर्मेशन कर रहा है और बी क्या कर रहा है बेटा? ए फॉर्मेशन कर रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ना बेटा, ये इसका नहीं है, ये रिवर्सिबल का कैरेक्टरिस्टिक है। इक्विलिब्रियम कौन अटेंड करता है बेटा? रिवर्सिबल रिएक्शन क्या करते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम अटेंड करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? क्या अब ये मेरा रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। अब इसके बाद मेरे को जानना क्या है, देखो यहां पे जैसे मेरे पास सी के सी मोल बन रहे हैं। अब लॉ ऑफ मास एक्शन समझ में आता है तुम लोगों को? मतलब कितना चल रहा है, रिएक्टेंट खत्म हो रहे हैं या कितनी जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट। यहां पे बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको दो अलग अलग टाइप की रिएक्शन मिलेंगी। रिवर्सिबल रिएक्शन में दो अलग अलग टाइप की रिएक्शन मिलेंगी बेटा। दो अलग अलग रिएक्शन क्यों बोल रहा हूं? एक ही रिएक्शन सर अलग अलग कैसे? देखो एक रिएक्शन में क्या है, ये जो ए है ना बेटा ये रिएक्टेंट है और बी क्या है बेटा? प्रोडक्ट। ए टूट के क्या फॉर्मेशन कर रहा है? बी बना रहा है। और दूसरी रिएक्शन क्या है जिसमें बी रिएक्टेंट है, वो ए फॉर्मेशन कर रहा है। तो दो अलग अलग रिएक्शन है ना, है कि नहीं? एक में ए बी बना रहा है, एक में बी ए बना रहा है, तो दो अलग अलग रिएक्शन है। ये वाली जो रिएक्शन होती है ना बेटा, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? जो लेफ्ट टू राइट जा रही है उसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। और जो राइट से लेफ्ट जा रही है उसको क्या बोलते हैं? बैकवर्ड। आ रही है बात समझ में? अब होगा क्या बच्चे, कि ये जो नीचे मैंने रिएक्शन लिखी है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने लिखी है, इसे मैं पूरा इक्विलिब्रियम समझता हूं, है ना? इसमें भी दो रिएक्शन है, एक है फॉरवर्ड और एक है
बैकवर्ड, समझ में आ गया क्या? अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, समझ में आया? अब एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो दोनों के कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करो। जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होगा बेटा, ए और बी, तो ए का कंसंट्रेशन भी लेना है और बी का कंसंट्रेशन भी लेना है। और जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट्स हैं बैलेंस्ड इक्वेशन के, जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे पावर में लग जाते हैं। बात समझ में आई? लॉ ऑफ मास एक्शन कर रहा है कि जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। मतलब जो भी रिएक्टेंट्स हैं, कितने भी रिएक्टेंट्स हैं, उन सभी का एक्टिव मास मतलब उनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, तो दोनों के एक्टिव मास मतलब दोनों के कंसंट्रेशन को ले लिया गया और पावर में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा दिया। किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलो है क्या? नहीं है, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर मैं इक्वल करूं तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा बेटा, मेरी आदत है, मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो इक्वल करने के लिए कांस्टेंट चिपका देता हूं कि बाकी जो दूसरी कंडीशंस हैं वो सेम है। अभी जो मेरा रेट चेंज हो रहा है ना, देखो तुम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हो ना, रेट बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, समझ में आया? जब मैं कांस्टेंट लगा रहा हूँ ना बेटा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो रेट चेंज हो रहा है ना, वो सिर्फ मैं किसके अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, और बाकी चीज़ें सारी की सारी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कांस्टेंट लग जाएगा बेटा, और इस कांस्टेंट में क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट है, इसको केएफ बोल दूंगा। समझ में आ गया क्या बच्चों? बोलो बेटा, आई बात समझ में? ठीक है। रेट सी और डी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मैं जो अभी रेट चेंज होना पढ़ रहा हूं अभी यहां पे, वो सिर्फ कंसंट्रेशन के चेंज होने के कारण रेट चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो यहीं पे छोड़ देंगे अपन, ठीक है। इसको यहां पे अभी छोड़ के हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, पहले इक्विलिब्रियम का मतलब समझ लेंगे, इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको जान लेंगे, उसके बाद दोबारा यहीं पे वापस आएंगे। समझ में आ रहा है क्या बेटा? आ रहा है क्या? लेकिन इतना ये लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ने से हमको एक बात ये समझ में आई है, क्या समझ में आई है, कि जो भी रिएक्शन होता है ना, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, उसका रेट जो होता है ना बेटा, वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, रेट उतना ज्यादा होगा। अगर कहीं पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम होता चला जा रहा है तो रेट बढ़ता चला जाएगा। बोलो हाँ, कम होता चला जाएगा। अगर कहीं पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशनशिप, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो रेट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो रेट कम होगा। इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब हम इक्विलिब्रियम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। प्रॉब्लम ये है कि इक्विलिब्रियम पूरा पढ़ लिए, कांस्टेंट समझ लिए, उसके क्वेश्चंस बना रहे हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। तो क्या ऐसे में 100% हमारी तैयारी कभी हो पाएगी? एक क्वेश्चन घूम के आएगा अपन, नमस्ते। बहुत बार ऐसा होता है कि ड्रॉपर के बच्चों को भी इक्विलिब्रियम पूछूं तो बोलते हैं सर वो कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है सर, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। समझ में आया? क्योंकि आपने कभी उसको उस तरीके से देखा ही नहीं, तो आप तो कंफ्यूज हो गए ही ना। तो इस स्लाइड को छोड़ के हम इक्विलिब्रियम का मतलब समझेंगे और उसके बाद दोबारा इसी स्लाइड में वापस आएंगे बेटा।
और यहां से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का तो मतलब तब समझ में आएगा ना जब इक्विलिब्रियम समझ में आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दिए, उसके बाद से बुक ओवर हो गया तो क्या मतलब होगा, ठीक है क्या? चलो अब देखो बेटा, मेरी रिएक्शन तो रिवर्सिबल होती है, ए से बी भी बनता है, बी से ए भी बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, पी से आर बनता है, समझ में आया? मैं किसी साइड से भी कुछ भी ले सकता हूँ, रिएक्शन तो दोनों साइड चलने लगेगा। मान लो कि ये मेरा एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और मैंने क्या लिया बेटा, आर लिया, क्या लिया, आर रिएक्टेंट लिया, बात समझ में आई? क्या लिया बेटा, रिएक्टेंट लिया, बात समझ में आ गई? अब मैंने सिर्फ रिएक्टेंट लिया है, इसका मतलब कुछ तो लिया होगा, 2 मोल पर लीटर, 4 मोल पर लीटर, 10 मोल पर लीटर, 20 मोल पर लीटर, कुछ तो लिया है। लेकिन ये बात सही है कि P के रेस्पेक्ट में R का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, अभी तो P है ही नहीं, समझ में आया? तो क्योंकि R बहुत ज्यादा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा, बोलो हाँ। अब मेरे को बताओ कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा, मतलब जल्दी जल्दी R क्या बनाएंगे बेटा, P बनाएंगे, तो जितना ज्यादा रेट होगा उतनी जल्दी जल्दी R कम होने लगेगा और P बढ़ने लगेगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होने लगेगा जल्दी जल्दी और कंसंट्रेशन P बढ़ने लगेगा, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होने लगेगा। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? तो देखो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि R बहुत ज्यादा था बेटा, R बहुत ज्यादा था तो रेट बहुत ज्यादा था, और जितना ज्यादा रेट होगा उतनी जल्दी जल्दी R क्या बनाने लगेंगे, P बनाने लगेंगे, मतलब उतनी जल्दी R का कंसंट्रेशन कम होने लगेगा, और उतनी जल्दी R का कंसंट्रेशन कम होने लगेगा वैसे ही प्रोपोर्शनल में क्या होगा बेटा, रेट भी कम होने लगेगा, कौन सा, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये देखो, पहले स्लोप बहुत ज्यादा है, फिर धीरे धीरे स्लोप की वैल्यू कम होने लगी है। पहले स्लोप बहुत ज्यादा है क्योंकि रेट बहुत ज्यादा था, रेट बहुत ज्यादा था तो बहुत सारे आर ने पी बनाया, तो आर का कंसंट्रेशन जल्दी से कम हुआ, और आर का कंसंट्रेशन जल्दी से कम होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी जल्दी से कम होगा, बोलो हाँ। जल्दी जल्दी पी बनने लगेंगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ने लगेगा। और हमेशा एक बात याद रखो बेटा कि एक कम हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है, एक क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, तो कभी ना कभी बराबर मिलेंगे ना, कभी कभी इक्वल आएंगे ना, तो जब क्या होगा बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, उस कंडीशन को मैं इक्विलिब्रियम बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ थोड़ी देर बाद, लेकिन कब इक्विलिब्रियम बोलना स्टार्ट करूंगा, जब ये दोनों बराबर हो जाएगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या बेटा, बोलो बच्चों? रेट ऑफ फॉरवर्ड जब रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाएगा, उस सिचुएशन को मैं इक्विलिब्रियम बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ, देखो, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि जितना भी अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट का वापस रिएक्टेंट बन जा रहा है। अगर रेट बराबर है, समझ में आया ना बेटा, अगर रेट बराबर है तो जितना अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनाएगा उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना देगा। तो अगर जब कभी भी तुम्हारे रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल होगा, तो क्या इस सिचुएशन के बाद कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर यदि या कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट पी के अमाउंट में या कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 मोल पर लीटर इधर से इधर जा रहा है और 2 मोल पर लीटर उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में इधर से इधर आ जा रहा है, बोलो हाँ, बोलो हाँ बेटा। तो रेट चेंज होगा, रेट के चेंज नहीं होने से कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, बोलो हाँ। रेट किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे। तो जब रेट इक्वल है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल है, तो आर का कंसंट्रेशन और पी का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, और आर का कंसंट्रेशन और पी का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है इसलिए रेट चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आया? लॉक हो गया ना बेटा, रेट इसलिए चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, और कंसंट्रेशन इसलिए चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि रेट बराबर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ, समझ में आ रहा है बेटा? तो रेट बराबर हो गया तो क्या हो गया बेटा, लॉक हो गई। अब ये जो सिचुएशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो गया, ये पहली बात। दूसरी बात बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर
और कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट पी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होंगे। अगर ये हो रहा है मतलब ये हो चुका है और ये हो रहा है डेफिनेटली ये होगा। तो ये जो सिचुएशन है ना बेटा इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसके बाद ऐसा नहीं है कि रिएक्शन रुक गया है, नहीं, रिएक्शन कंटिन्यूअसली चल रहा है। आर से पी बन रहा है, पी से आर बन रहा है, आर से पी बन रहा है, पी से आर बन रहा है, लेकिन ओवरऑल नेट चेंज कुछ भी नहीं आ रहा है। रिएक्शन कंटिन्यूअसली चल रहा है लेकिन ओवरऑल कोई भी नेट चेंज नहीं हो रहा है, फंस गई है, फंस गया है। समझ में आया? जो रिएक्शन मिक्सचर है ना बेटा एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है। उसके बाद ना तो ये आगे जा पा रहा है ना तो पीछे जा पा रहा है। इसी सिचुएशन को बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम। मतलब समझ में आया तुम लोगों को? और दुनिया का हर रिवर्सिबल रिएक्शन, चाहे वो कोई फिजिकल प्रोसेस हो या कोई केमिकल रिएक्शन हो, इक्विलिब्रियम अटेन करेगा ही करेगा। बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आ गई ना? कोई तकलीफ है क्या? बोलो तकलीफ है क्या? नहीं है ना? इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ गया ना सभी को? ठीक है। अब देखो ये तो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम समझ लिया। अब देखो अगर मैं तुमको ऐसा बोलूं बेटा ये इधर रेट था ना बेटा, इधर रेट था, ठीक है, ये तुम्हारा टाइम है और इस टाइम के बाद ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, ठीक है। अब देखो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं है बोलो? है कि नहीं है बोलो? है कि नहीं है? है। इसको क्यों देख रहे हो? तुमको तो देखना है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल होता है, हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इक्विलिब्रियम है ना। अगर मैं ऐसा बोलूं तो बेटा ये ऐसा बढ़ते बढ़ते ये ऐसा बढ़ा और ये ऐसा बढ़ा, तो ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? है ना बेटा। तो ये जो ये गड़बड़ क्यों हो रहा है सर, ये कभी ऊपर बन रहा है, ये कभी नीचे बन रहा है, कभी बराबर में बन रहा है, वो ध्यान दो वो रेट कांस्टेंट के कारण हो रहा है। समझ में आया बेटा? वो किसके कारण हो रहा है? रेट कांस्टेंट के कारण हो रहा है। जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा है उसका रेट ज्यादा है। यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर है, के एफ और के बी भी बराबर है, तब एकदम एग्जैक्टली बीच में मिला। समझ में आया बेटा? ये जब अटेंड किया ना बेटा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर तो हुआ लेकिन फॉरवर्ड ज्यादा नीचे गिर गया है। समझ में आया बेटा? और ये क्या हो गया बेटा, कम, थोड़ा सा ऊपर चढ़ा और बराबर हो गया, मतलब ये धीरे धीरे चल रहा था, ये फास्ट चला, इसका के एफ के बी से ज्यादा है, इसमें के बी के एफ से ज्यादा है। आ रही है बेटा बात समझ में? आ रही है बेटा बात समझ में? अच्छा, ये तो मैंने रेट के साथ तुम लोगों को रिलेट करवा दिया। अगर मेरे क्वेश्चन में कुछ ऐसा आया तो बेटा यहाँ पे कंसंट्रेशन है और यहाँ पे ये टाइम है और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या हो गया बेटा, कम होता गया और कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ता गया, ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं? तुम लोग गधे हो गया? इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी दो सिचुएशन चाहिए? एक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होने चाहिए। मैं बोला हूं कि दोनों इक्वल होने चाहिए। तो बेटा इसके बाद ये देखो, ये वाली पोजीशन के बाद ना तो रिएक्टेंट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ऐसे लाइन मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है और कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है क्या बेटा? तो ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? तुम लोग जो पढ़ते हो उसी के बारे में नहीं सोचते हो क्या? हाँ, आई बेटा बात समझ में? अगर मैं कंसंट्रेशन और टाइम का लूंगा तो कंसंट्रेशन के लिए मैं तुमको बोला ना, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हुआ, मतलब ये समझ जाओ कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होंगे, और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहे हैं, मतलब उस समय पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो गया, दोनों एक दूसरे को लॉक करते हैं ना, तो देखो ये लॉक कर दिया ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? आई बेटा बात समझ? भाई इस रिएक्टेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होना और प्रोडक्ट का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होना, ये क्या कहलाता है बेटा? हाँ,
हो गया बेटा। अब कंसंट्रेशन के टर्म्स में क्या समझ में आया अपने को? अपने को ये समझ में आया कि कंसंट्रेशन बराबर होना इक्विलिब्रियम नहीं है, समझ में आया? कांस्टेंट, उनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना इक्विलिब्रियम है। अब यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ज्यादा है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट पे, लेकिन इक्विलिब्रियम हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर कुछ ऐसा रहेगा तुम्हारे पास कि ये कम होते होते ये ऐसा और ये बढ़ते बढ़ते ये ऐसा, तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और ये कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जब यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं है बेटा? है। तो जब ये इक्विलिब्रियम अटेंड किया उस समय पे कंसंट्रेशन ऑफ पी जो है वो कंसंट्रेशन आर से क्या है? ज्यादा है। और एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है बेटा इक्वल वाली, ये सब कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ है ना, कंसंट्रेशन और ये टाइम का ग्राफ है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन पी कंसंट्रेशन आर के इक्वल हो गया है, तो इसीलिए तो तुम्हारा केसी की वैल्यू ग्रेटर देन वन भी हो सकता है, लेस देन वन भी हो सकता है और वन भी हो सकता है। भाई केसी हमेशा वन होता है क्या? केसी मतलब वन मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हमेशा बराबर होते हैं क्या? नहीं, वो तो कुछ भी हो सकता है, वन से ज़्यादा भी हो सकता है, वन से कम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो आ रही है। ठीक है बेटा, समझ में आया इक्विलिब्रियम का मतलब? समझ में आया? तुम केसी की वैल्यू कुछ भी बोल सकते हो ना, अगर तुम हमेशा ऐसे ही सोचोगे कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होंगे, इसका मतलब तो ये है कि हमेशा वन ही आएगा केसी, लेकिन ऐसा होता थोड़ी है, वो तो क्या हो सकता है, वन वन से ज्यादा भी हो सकता है, के इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू के से ज्यादा, वन से ज्यादा, वन से कम और के की वैल्यू वन। आ रही है बेटा बात समझ में? आ रही है क्या बच्चों? चलो अब हम लोग अपनी पुरानी स्लाइड में वापस जाएंगे, ये वाला आ गए बेटा। चलो ये मेरे पास एक रिएक्शन थी, मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया है यहाँ पे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होगा तो इक्विलिब्रियम बोलूंगा, अभी तो ये सिर्फ एक्सप्रेशन है, बोलो हाँ। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बेटा रेट एट इक्विलिब्रियम बोलूंगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल होगा, बोलो हाँ। मतलब केएफ जो होगा, केएफ किसके इक्वल होगा बेटा? कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन बी पावर ए पावर बी, और ये क्या हो जाएगा बेटा? केबी कंसंट्रेशन सी पावर सी कंसंट्रेशन डी पावर डी। तो केएफ बाय केबी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन सी कंसंट्रेशन डी। देखो सारा कांस्टेंट को एक साइड रख दिया और बाकी जो वेरिएबल है उनको एक साइड रख दिया। अब यहां से मेरे को क्या समझ में आया पता है? देखो मैं यहां पे सोच कुछ भी नहीं रहा हूं, अभी मेरे को नहीं पता क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैं कुछ भी नहीं जानता, मेरे को इक्विलिब्रियम समझ में आया, मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया, तो अभी मैं इक्विलिब्रियम में सीख के आया हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल होता है, तो मैंने बोला जब वहां पे होता है तो यहां पे भी होगा, तो मैंने रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल किया, मैंने इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल किया, फिर जब ये दोनों इक्वल आए तो मैंने क्या किया, अरे यार ये कांस्टेंट्स हैं यार, ये चेंज नहीं होंगे, कब तक? जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा।
तो kf जो कांस्टेंट्स है उसको एक साइड रखा और जो वेरिएबल्स है उनको एक साइड रखा, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, तो इनका रेशियो भी एक कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट को बोल दूंगा kc, kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन c पावर c, कंसंट्रेशन d पावर d, कंसंट्रेशन a पावर a, कंसंट्रेशन b पावर b। सुनो मेरी बात को, मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं जानता था, मुझे क्या समझ में आया यहां से कि कोई गिवन रिएक्शन का किसी गिवन टेम्परेचर टी पे kf और kb कांस्टेंट रहेगा, और इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाने के बाद kf और kb का रेशियो kc हो जाएगा और कंसंट्रेशन c कंसंट, ये कब है बेटा, ये इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ले रहे हो ना, ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो बताओ, ये इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ले रहे हो ना। तो जब कभी भी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन, मेरे को एक बात समझ में आ गई कि दुनिया की कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो, उस रिवर्सिबल रिएक्शन का जब इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा तो रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। समझ में आया मेरे को यहां से क्या बात समझ में आई, तो दुनिया की कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो, पहली बात वो इक्विलिब्रियम अटेंड करेगी, दूसरी बात, और जब इक्विलिब्रियम अटेंड करेगी उस टाइम पे उनके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशियो रहेगा ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तुम कितना ही ले लो, तुम दो ले लो, चार ले लो, दस ले लो, पचास ले लो, सौ ले लो, कितना भी ले लो, उसका केसी फिक्स है। केसी क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो। बोलो हाँ। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं बेटा, जैसे मेरे को किसी ने बताया कि मेरे पास एक कोई रिएक्शन है, ये ए और ये बी, इसका केसी टू है, क्या है, तुम्हें को क्या समझ में आया पता है, मेरे को समझ में आया कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है डेफिनेटली ये कभी ना कभी तो इक्विलिब्रियम अटेंड करेगी। बोलो हाँ। जब ये इक्विलिब्रियम अटेंड करेगी ना तो बी का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय ए का कंसंट्रेशन हमेशा कितना आएगा, टू आएगा। अगर ये टू मोलार है तो ये वन मोलार, अगर ये टेन मोलार है तो ये फाइव मोलार, अगर ये ट्वेंटी है तो ये टेन। तुम कितना भी ले लो, कितना थोड़ा सा ले लो, ज्यादा ले लो, कैसा भी ले लो, जब ये रिएक्शन डेफिनेटली एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम अटेंड करेगी और इक्विलिब्रियम अटेंड करने के बाद इसके कांस्टेंट जो होंगे, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसी रेशियो में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट रहेंगे। ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब, समझ में आया। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ डिफाइंड कब तक है बेटा, कब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइंड, कब है, जब वो तुम्हारा रिएक्शन मिक्सचर इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया है। आई बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में बताओ, ठीक है क्या, ये कहां से रहते चालू होते हैं, एसी बंद है क्या, ये कहां चल रहा है, ये रोए टाइप का क्यों चल रहा है बेटा, इसका डिस्प्ले कहां है, उड़ गया क्या, चलो ठीक है समझ में आ गया, इसके कारण गड़बड़ हो रही है। समझ में आया तुम लोगों को बात, तो तुम लोगों को ऐसे याद नहीं करना है कि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और बिना सोचे समझे, क्योंकि देखो दिमाग को ऐसा ऐसा लगता है ना के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन सी पावर सी कंसंट, तो वो दिमाग में छप रखा है कि क्या करना है। उसी जगह पे मैं तुम लोगों को ये भी नहीं समझ में आता है कि अगर मैं बोलूंगा कंसंट्रेशन ए जो है टू मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन बी फोर मोल पर लीटर, और कंसंट्रेशन सी वन मोल पर लीटर, और कंसंट्रेशन डी टू मोल पर लीटर। अब मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, तो तुम्हारे दिमाग में सेट है केसी, अगर रिएक्शन क्या है सर, रिएक्शन ये है टू ए प्लस बी गिव सी प्लस टू डी, ये रिएक्शन है, तो तुम मेरे से पूछोगे भी नहीं कि सर ये जो कंसंट्रेशन है ये इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन है ना, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं किया है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इससे जो एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं निकलेगा, तुमको आदत है kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन c पावर क्या है बेटा, पावर 2 पावर 1 कंसंट्रेशन d पावर 2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन a पावर 2। तुम ये सोच ही नहीं रहे हो कि तुमको जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए वो जो तुम्हारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है c d a b, ये
कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे लेते हैं, जब इक्विलिब्रियम अटेंड कर चुका है रिएक्शन, तो तुमको इक्विलिब्रियम समझ में आ गया बेटा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझ में आ गया। बोलो किसको किसको समझ में आ गया, हाथ ऊपर करो, और किसको किसको समझ में नहीं आया बताओ। सबको आ गया, पीछे तुमको बेटा, लास्ट आ गया, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, मैं ये बता रहा हूं कि ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, ठीक है, एट टी। तो मैं क्या करूंगा बेटा, Kc इज इक्वल टू लिखूंगा कंसंट्रेशन सी, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, कंसंट्रेशन डी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, और कंसंट्रेशन बी। समझ में आ गया क्या, कुछ गलती कर दिए क्या? हाँ, बी का, अच्छा तो बी का 1 है ना ये, क्या 4 लिखा था मैं, तुम लोग क्या बोल रहे हो? हाँ, अरे भाई ए का ये सी, ये डी, ये ए और ये बी। अरे तो राम सीता भाई बहन की हस्बैंड वाइफ, तुम लोग को पूरी रामायण के बाद में आखिरी में बेड़ा गर्त कर दिए, तो फिर यहां क्यों नहीं बोले? जब यहां बी, मतलब तुमको बी ही 4 मोल पर लीटर बताना है, ये नहीं बताना है, ये वैसे ही लिख दो सर। चलो, कंसंट्रेशन सी कितना बेटा, ये 1 मोल पर लीटर, डी कितना बेटा 2 पावर 2, और ए जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा 2 और यहाँ पे पावर 2, और बी जो रहेगा वो कितना है बेटा यहाँ पे 4। ये और ये कट गया, 1/4 आ गया। अब सुनो मेरी बात को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो यूनिट है बेटा वो बदलते रहता है, वो डिपेंड करता है डेल एनजी पे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिर हाल देखो, ये मोल पर लीटर के ऊपर पावर 2, यहाँ पे मोल पर लीटर के ऊपर पावर 2, यहाँ पे मोल पर लीटर, तो सारे मोल पर लीटर कट गए, तो ये सिर्फ 1/4 आएगा, इसमें कोई यूनिट नहीं लगेगी। समझ में आया? तो बात समझ में आई कि अगर आपको पहले रिएक्शन दिया रहेगा और इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन दिया रहेगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हो बेटा केसी। समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलो अब क्या क्या लिख सकते हो वो लिखो और बताओ। चलो जल्दी जल्दी लिखो। एकदम सोच सोच के लिखना है, पहली क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है, वहां पे जो एक रिदम बन गया ना, उसके बाद फिर वो पूरे चैप्टर भर चलता है, और पहली क्लास में ऐसा गड़बड़ हुआ तो फिर लास्ट वो भी चलेगा, खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो पूरा लिखो जल्दी जल्दी, समझ समझ के, सोच सोच के लिखो, जहां पे नहीं समझ में आ रहा है, जहां मजा नहीं आ रहा है वहां पूछो सर मजा नहीं आया, यहाँ पे मजा आना मतलब समझ में आना। कहाँ है तेरा भाई मनीष, देखे गायब हो गया ना वो, कहाँ है डेविड, कहाँ है, नहीं आया। भार्गव कहाँ है, नहीं आया। जो आखिरी तक बचता है ना, आखिरी तक, वही सरवाइव करता है, गवर्नमेंट कॉलेज उसी को मिलता है। नहीं तो मेरा भी मन था बेटा प्रधानमंत्री बनने का। समझ में आया? अब मैं उसके लिए मेहनत करूंगा तभी बनूंगा। हाँ, अब बाबा भले अब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, है कि नहीं? तेरे रिलेटिव है क्या? नहीं।
हो गया, स्लाइड चेंज कर लूं? लिख ली तू? तेरी को देख रहा था उधर, देखो ठंडी लग रही है। तूने बेटा खाना अच्छे से खाएगा, हो गया क्या? तेरा हो गया, अभी बहुत बच्चे हैं देख। ठीक है, चेंज कर दूं स्लाइड? तू पढ़ते टाइम तो मुस्कुराते रहता है, बाद में तू लिखता है, पहले लिख के हंसे करना, या फिर रात को बढ़िया सबको हंसी को लेके जाया कर, रात में हंसे कर, नहीं वो भी गड़बड़ है, बाजू वाला परेशान हो जाएगा, डर जाएगा, इसको क्या हो गया करके। ये के एफ, ये के बी को उधर ले गया, अब इसको इधर ले आया। अब देखो, अगर बाई चांस पहले कभी जब इक्विलिब्रियम सीखा जा रहा था या समझा जा रहा था, के बी बाई के एफ को केसी बोलते तो वो सही रहता, ए बी सी, ए ऊपर बी ऊपर सी ऊपर सी नीचे डी नीचे, मतलब रिएक्टेंट बाई प्रोडक्ट को हम लोग इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बोलते। अगर ये कॉन्स्टेंट आता है तो इसका रेसिप्रोकल भी तो कॉन्स्टेंट ही है, लेकिन उसको के एफ बाई के बी को ही केसी बोला गया तो मैं क्या करूं? आई बात बेटा, बात समझ में? अभी टू कॉन्स्टेंट है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट मान लो, तो रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट 1/2 वो कॉन्स्टेंट है। आई बेटा बात समझ? और रिएक्टेंट प्रोडक्ट कुछ नहीं होते यार, जो इधर लिखा रहता है ना उसको मैं हमेशा प्रोडक्ट बोलता हूं, बोलने के लिए ये रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है, ये भी रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है, बस राइट हैंड साइड ऊपर रहता है और जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है वो नीचे रहता है, उसी के रेशियो को कैसी बोलते हैं। आई बेटा बात समझ में? चलो, कहां है तेरा भाई, क्यों नहीं आया, तू पूछा नहीं? चल पहले लिख ले भाई, तू पहले जिगरी दोस्त, चाय पीने तो दूसरी के साथ जाते हैं, है? नहीं जाता? किसी दिन चाय पीते देखा ना बेटा, तो गरम करवा के और पिलाऊंगा तेरे को मैं चाय, और फूकने भी नहीं दूंगा। अगर कोई सोच रहा है कि मैं यहां हूं तो मैं वहां भी हूं जहां तुम हो, क्योंकि मैं भगवान हूं, हर जगह हूं। समझ में आया आशीष तेरे को? इधर देख मेरे को एक बार, समझ में आया? ठंडी लग रही है? देख मैं तो अपना सेट है मेरा, तुम लोग अपना देख लो। हो गया क्या? नेक्स्ट स्लाइड। मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए ना? सॉल्यूशन का एक्सरसाइज 1 हो गया, एक्सरसाइज 2 नहीं करिए तृप्ति तू? हाँ, तेरे को नहीं मिला है, ठीक है आज दिलवा देते हैं। और जिनको मिल गया वो सॉल्व कर रहे हो ना, क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? और क्वेश्चंस चाहिए किसी को? चाहिए, ठीक है। हाँ
बेटा जैसे क्वेश्चन सही रहता है ना तो मेरे को बता देते हो ना, तो उससे अच्छा है कि तुम युवराज को बताओ, तो युवराज को पता रहेगा कि डीपीपी कौन सी डीपीपी जो है ना, मतलब ये युवराज नहीं है, एक और युवराज है अपने पास, ठीक है, तो वो मेरे से पूछ लेगा कि कौन सी डीपीपी देनी है, तो फिर जल्दी हो जाएगा काम, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि मैं तो क्लास में रहूं, क्लास जिस दिन रहेगी उस दिन मैं रहूंगा, हो सकता है मैं नेक्स्ट डे ना रहूं या बाद में आऊं मैं, तो एटलीस्ट वो तुमको हमेशा मिलेगा, तो उनसे तुम लोग कोऑर्डिनेट कर लिया करो, ठीक है। और जिसको जिसको जितने जितने क्वेश्चन सही, अगर उसके पास खत्म हो गए तो फिर वो मेरे को बोलेगा, तो फिर मैं बता दूंगा क्या देना है, ठीक है? क्या हो गया? ये स्लाइड चेंज कर दें, ये कंसंट्रेशन और टाइम के रेस्पेक्ट में है, इसका मिलना जरूरी नहीं है। लिख लिया, समझ में आ गया ना तेरे को? देखो यहां पे जब इक्विलिब्रियम अटेंड किया तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज्यादा था, के इज लेस देन वन, है ना बेटा? अरे हाँ कि नहीं है ना? अरे प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज्यादा है और हमारा केसी पी बाई आर होता है, तो के इज लेस देन वन, यहां पे के इज ग्रेटर देन वन और यहां पे के इज इक्वल टू वन, इसके लिए ये फॉर आर और पी, मतलब सीख गए ना, फिर तो कुछ नहीं लगता बेटा, सब एकदम आसान है। और जो जो पढ़ते जा रहे हो ना उसका रिजल्ट अपने पास दिमाग में रखे रहो, देखना अभी आएगा एक क्वेश्चन, वो सॉल्यूशन में पढ़ाया हूं और उसी को फिर वापस बताऊंगा यहां। आज फर्स्ट क्लास किसकी किसकी है? हो गया? जल्दी लिख, हो गया? बिना लिखे हो गया बोल रहे है ना तू? लिख आऊं? अरे मेरे को सब पता रहता है, मैं भगवान हूं, तेरे को बोल रहा हूं, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तीसरा बचा है तेरा, बचा है ना, तो तेरे को पता ही नहीं कि उन्नीस में ये, जैसे तुम लोग अभी 70-80 बैठे हो, उस समय बैठते थे कि क्लास में 120, और पीछे वाला लिख नहीं रहे, समझे कि नहीं, और ऐसे बता रहे कि मैं बहुत सीरियसली ऐसा पूरा नोट डाउन कर रहा हूँ, मेरे को पता था बहुत देर से, अब उसको लग रहा है मैं तो बहुत पीछे बैठा हूँ, सामने वाले टीचर के पास चश्मा चश्मा उश्मा भी लगाए हुए हैं, तो क्या पता और दिखे नहीं दिखे। और जैसे ही उसके पास पहुंचा तो सर वो वहाँ डाउट सर ये क्या होगा सर, समझ रहे ना, ताकि टीचर भूल जाए, उसको ये नहीं पता कि वही सब कारनामे करके मैं खुद टीचर बना हूं। तो मेरे को सब पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है, ठीक है, हो गया? हाँ बोलना बेटा। हाँ बोल, हाँ अलग अलग है ना बेटा, अलग अलग रहेगा, जरूरी थोड़ी है कि बराबर होगा। मैं क्या बोल रहा था, ऐसा बोला तो हूं कि कंसंट्रेशन बराबर होने को इक्विलिब्रियम नहीं बोलते, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड होने को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और उस समय पे कंसंट्रेशन बराबर नहीं होते, कंसंट्रेशन का चेंज होना रुक जाता है, अब वो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ये बहुत ऊपर भी आ सकता है और ये बहुत नीचे भी आ सकता है, लेकिन शर्त इक्विलिब्रियम की बस एक है। अगर आप कंसंट्रेशन देख रहे हो तो शर्त यही है कि आप टाइम के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन है ना चेंज नहीं होगा, ना तो रिएक्टेंट का ना तो प्रोडक्ट का,
यही कह रहा था मैं स्टार्टिंग से कि बोला था ना ये लाइन में, मैं बोला था ना कैसा होना बोलते हैं करके, कहाँ क्या कहाँ था तेरा दिमाग, ध्यान किधर था? चल तू बिल्कुल नहीं सुन रहा था, तू घर वर चले गया था लग रहा है। चलो जल्दी से ये क्वेश्चन लिख लो एक ठो, ये ऐसा क्वेश्चन मतलब कि जैसे कुछ नहीं आता तो एक क्वेश्चन तो आता है, समझ में, सीखे हैं कुछ। यूनिट साथ ही साथ यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिख लेना बेटा है। बेटा पर लीटर भी लिखना, मैं नहीं लिखा हूँ क्या? मैं तो सब जगह लिखा हूँ, तो तू क्यों छोड़ दे रही है? तेरे को लीटर अच्छा नहीं लगता? वॉल्यूम सर, लीटर अच्छा नहीं लगता, ML अच्छा लगता। देख तुरंत समझ गया लड़का। नहीं समझा? क्यों नहीं समझा? हाँ ऑन है, क्यों बंद करना है? 18 में कर दिया ना बेटा मैं। हो गया क्या? नहीं हुआ? ठंडी लग रही है, क्या कर सकते हैं बेटा, वहां बात बात कर लो, तुम लोग बंद कर दो बेटा थोड़ी देर के लिए यार, टेम्परेचर बढ़ा दो या फिर जैसा भी है ना। हो गया क्या बेटा? यूनिट्स कैसे निकालेंगे? देखो केसी तो हमारा ऐसे ही होता है भाई, हम लोग जब भी है मैं लिख रहा हूं तो मैं, मेरे पास एक जनरल इक्वेशन है बेटा, केमिकल इक्वेशन है ये, मैं इसके लिए ऐसा केसी लिख देता हूं, ठीक है। अब इसकी यूनिट ये जो कंसेंट्रेशन है तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? मोल पर लीटर बोलो। हाँ होगी ना। पावर क्या रहेगा? सी। फिर मोल पर लीटर। पावर क्या रहेगा बेटा? डी। फिर मोल पर लीटर। पावर क्या रहेगा बेटा? डी। और फिर मोल पर लीटर। चलो ए। और यहां पे क्या बेटा? बी। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि मोल पर लीटर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। बोलो हाँ, बोलो, लिख सकता हूं। जब भी मैं प्रोडक्ट के मोल्स, ये सी और डी, ए और बी है ना बेटा, इनको ऐड करके रिएक्टेंट से माइनस करता हूं तो इसको मैं बोलता हूं डेल एन जी। क्या बोलता हूं? सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी को क्या बोलता हूं? डेल एन जी मत बोलो फिलहाल, क्योंकि गैसियस मोल्स हो जाएंगे डेल एन। समझ में आया बेटा? तो अगर मुझे यहां पे दिया हुआ है, यहां पे देखो ये रिएक्शन था, ये 2 प्लस 1 3 और इधर 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मोल पर लीटर के ऊपर 0 मतलब 1, यूनिटलेस। अगर यहां पे ये 2 नहीं होता, यहां पे 1 होता तो 1 और 1 क्या हो जाता? 2। और यहां पे 3, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो मोल पर लीटर के ऊपर क्या हो जाता बेटा? माइनस 1, मतलब यूनिट क्या आती? लीटर पर मोल क्या आती? अगर यहां पे होता, यहां पे 2 प्लस 1 एज इट इज रहता और यहां पे 2 प्लस 2 हो जाता तो इधर 4 इधर 3। समझ में आ गया? क्या हो गया यहां पे? फिर माइनस 1 आ गया क्या? लीटर पर मोल। तो आपको इस साइड के पूरे का सम करके इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को माइनस करना है और वही मोल पर लीटर के पावर में लगा देना है। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? बोलो बच्चों, आई क्या? तो कई बार ना बेटा,
अब जैसे इसी का ये क्वेश्चन आया है हमारे पास, मान लो नीट में आया है ना, वैसे कभी आ नहीं सकता लेकिन मान लो आया है। अब क्वेश्चन दिया है 1/4 ऑप्शन दिया है 2 mole per liter और 4 mole square liter per liter square और चौथा मान लो दिया हुआ है 1/2 per mole liter। अब मान लो मैं सॉल्व नहीं किया हूं लेकिन मेरे को ये पता चल गया कि इसकी ये तो यूनिटलेस आएगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा यही वाला था, तो मेरे को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पड़ी क्या? तो दिमाग लगाओगे, सोचोगे सारी चीजें, तो आपको कई बार सॉल्यूशन, कई क्वेश्चंस रहते हैं बेटा जिसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑप्शन देख के ही पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर वो आंसर नहीं है मतलब 100% बोनस जाएगा यार क्वेश्चन, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि कोई मोल पर लीटर में, इसका मोल पर लीटर में यूनिट होगी क्या? नहीं हो सकती। आई बात समझ में? आई क्या? चलो ये बात समझ में आ गया, आ गई बात समझ में? चलो आगे बढ़ जाऊं बेटा, लिख लो लिख लो लिख लो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है, इसके बाद हम लोग गैस के लिए पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। हाँ बेटा, बेटा इस साइड के टोटल जो कंसंट्रेशन, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है ना, इनको ऐड कर देना और इन साइड, इस साइड का भी ऐड कर देना और इस साइड से इस साइड को माइनस कर देना। टोटल इसको आप ऐसा बोल सकते हो, समेशन ऑफ, है ना बेटा, टोटल ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कौन सा साइड बेटा, प्रोडक्ट साइड माइनस समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट साइड, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी और इसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे, अभी तो बस तुम लोगों को बस कॉन्सेंट के टर्म्स में बताया हूं, ठीक है। आ गई बेटा बात समझ में? आगे बढ़ जाऊं? ठीक, देखो हो गया ना। देखो बेटा जैसे ये मान लो ये ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है और ये डी गैस है, तो इसका केसी क्या होता है बेटा? केसी होता है कंसंट्रेशन सी पावर सी, कंसंट्रेशन डी पावर डी, कंसंट्रेशन ए पावर ए और कंसंट्रेशन बी पावर बी। अब स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोगों ने एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है कि PV इज इक्वल टू होता है एन आर टी, तो P इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एन बाय वी आर टी, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सी आर टी, और C इज इक्वल टू P बाय आर टी। समझ में आया? कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू P गैस में, देखो जहां पे हम लोग नॉर्मल सॉल्यूशन में जहां पे कंसंट्रेशन लेना रहता है, गैस में वहां पे हम लोग प्रेशर से काम चल जाते हैं। समझ में आया? तो देखो यहां पे अगर मुझे कंसंट्रेशन ए चाहिए तो मैं बोल सकता हूं पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाय आर टी, अगर मुझे कंसंट्रेशन बी चाहिए तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बाय आर टी, कंसंट्रेशन सी चाहिए बेटा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बाय आर टी, और कंसंट्रेशन डी चाहिए बेटा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ डी बाय आर टी। बोलो हाँ, बोलो बच्चों हाँ, बोलो बेटा। तो जहां पे कंसंट्रेशन सी लिखा हुआ है, अगर मैं वहां पे, अगर मुझे कंसंट्रेशन नहीं दिया है, मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी दिया है, तो मैं कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, पीसी बाय आर टी कर सकता हूँ। बोलो हाँ, पावर सी, यहां पे क्या कर सकता हूँ बेटा, पी डी बाय आर टी पावर डी कर दूंगा। बोलो हाँ, डिवाइड बाय पी ए बाय आर टी पावर ए कर दूंगा, और यहां पे पी बी बाय आर टी पावर
बी कर दूंगा, भाई मुझे चाहिए केसी कैलकुलेट करने के लिए चाहिए सी का कंसंट्रेशन, डी का कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन, लेकिन बाई चांस मुझे कंसंट्रेशन नहीं दिया है, मुझे पार्शियल प्रेशर दिया है, तो मैं कैसी कैसे केसी कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं पार्शियल प्रेशर लगा के मैं कंसंट्रेशन निकालूंगा ना, ऐसे वही में मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो केसी निकल जाएगा, बोलो हाँ, बोलो निकल जाएगा। अच्छा अब देखो, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर बी, यहाँ पे 1 बाई आर टी की पावर सी, यहाँ पे 1 बाई आर टी की पावर डी और यहाँ पे 1 बाई आर टी की पावर ए और यहाँ पे 1 बाई आर टी की पावर बी मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लूंगा बेटा 1 बाय आर टी पावर सी, 1 बाय आर टी पावर डी, 1 बाय आर टी पावर ए, 1 बाय आर टी पावर, बात समझ में आई क्या, बोलो आई क्या, ठीक है। अब देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, 1 बाय आर टी और पूरे की पावर सी प्लस डी, भाई सेम चीज एक बार नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो पावर में है वो क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ध्यान से थोड़ा सा, ये दिख रहा है ना तुम लोगों को, इतना भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो दिख रहा है ना बेटा, चलो पहले नहीं दिख रहा था अब दिख रहा होगा। चलो अब देखो इधर, केसी इज इक्वल टू, या फिर तुम लोगों को पता है कि ये केसी ही है, तो मैं सीधे इक्वल टू लिख के लिखता हूँ बेटा यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और यहाँ पे पावर बी, इनटू यहाँ पे 1 बाय आर टी लिखता हूँ और पावर क्या कर देता हूँ बेटा सी प्लस डी, और डिवाइड बाय 1 बाय आर टी करता हूँ बेटा और यहाँ पे क्या जाएगा बेटा ए प्लस बी, क्लियर है। अब फिर अगेन यही पीसी पीडी पीए और पीबी, ये बेटा ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ध्यान से देखो, अगर ये आर टी को मैं नीचे ले आया तो ये आर टी, ये सिर्फ इस आर टी की पावर सी प्लस डी को नीचे ले आया तो ये क्या हो सकता है बेटा 1 बाय आर टी, सॉरी एक मिनट देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, सीधे कोई कंफ्यूजन नहीं, आर टी ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी लिख सकता हूं, तो केसी इज इक्वल टू मेरे को क्या मिला बेटा, केसी इज इक्वल टू मेरे को मिला बच्चे, केसी इज इक्वल टू मेरे को मिला पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर बी और यहां पे बेटा आर टी ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ये मिला ना। अब अगर मैं इसको उधर लेके चले जाऊं तो बेटा देखो इसको मैं अगर इस साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड से अच्छा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में लिखूं तो ये चेंज हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं के सी आर टी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब मैं बताना क्या चाहता हूँ सुनना, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा हौच-पौच हो गया है, इतना तुम लोग पहले लिखो फिर मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि हमको आगे और क्या पढ़ना है, यहाँ तक लिखो फिर आगे बताता हूँ, इतना लिखो फिर आगे मैं समझा रहा हूँ बेटा, ठीक है।
पूरा समझ समझ के लिखो, जहां पे नहीं समझ में आए वहां पे बताओ। हो गया बेटा? अब देखो ध्यान से यहां पे क्या लिखा हुआ है ना, ये देखो दिखाइए, जो तुम्हारा लास्ट में तुमने यही सब लिखा है, लिखा है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हो गया ना सबका बेटा? आशीष पूरा हुआ कि नहीं हुआ देख ले भाई। यहां तू चलो, केसी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर डी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और यहां पे पावर ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर बी इनटू आरटी और यहां पे पावर है बेटा ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। यही आया क्या? कैसे आया पता चल गया यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये चीज कैसे आई हमको नहीं पता, ऐसा वैसा मन में कोई परेशानी दुविधा नहीं है? इसको मैं इधर लेके जाता हूं केसी, तो ये क्या हो जाएगा? देखो वैसे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, लेकिन मैं मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो इसको लिखूंगा c प्लस डी माइनस a प्लस बी। बोलो हाँ, बोलो बेटा। इज इक्वल टू क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ c पार्शियल प्रेशर ऑफ d पार्शियल प्रेशर ऑफ a पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर बी। मेरे को एक बात बताना तुम लोग, अभी तुम लोग इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट थोड़ी देर पहले पढ़े हो, तुमको पढ़े हो कि जब इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेता है तो केसी क्या होता है? किसी गिवन टेम्परेचर टी पे केसी फिक्स होता है, केसी को कोई नहीं बदल सकता। केसी को आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि कौन कौन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। टेम्परेचर के अलावा इस दुनिया में कोई फैक्टर नहीं है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सकता है। मतलब बेटा, मतलब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट है कब? जब टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अच्छा, किसी रिएक्शन के ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कांस्टेंट है। तो जब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो ये पूरे ही कांस्टेंट है, हाँ कि नहीं? मतलब यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे छः, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू, थ्री माइनस थ्री कुछ भी आएगा
उन सभी को वैल्यू को जब मैं सॉल्व करूंगा तो भी मुझे एक कांस्टेंट ही मिलने वाला है। तो जब ये पूरा कांस्टेंट मिलने वाला है, मतलब किसी भी किसी रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट ही आती है ना। तो जब मैं, जैसे मेरे पास कोई एक रिएक्शन है, मैंने उसके कंसंट्रेशन लिया प्रोडक्ट का, डिवाइड बाय रिएक्टेंट किया, तो मुझे कांस्टेंट मिला केसी। अगर मैं उनके पार्शियल प्रेशर लूंगा ना, तो भी मुझे कांस्टेंट मिलेगा केपी। क्या मिलेगा? हाँ, ये बात अलग है कि केसी और केपी अलग अलग वैल्यूज है। समझ में आया? इस वैल्यू को मैं बोलता हूं बेटा केपी। क्या बोलता हूं? तो KP इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B पावर B। बेटा ये कौन, यहां से आया है ये KP, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो इन सारे कांस्टेंट को सॉल्व करके मैंने क्या बोल दिया? KP बोल दिया। अब ये बात अलग है कि KC और KP अलग अलग है। KC इज इक्वल टू क्या है? KC RT। और देखो, जब मैं गैसियस मोल्स लेता हूं ना बेटा, ये देखो, ये पार्शियल प्रेशर कब लगा पाओगे तुम लोग? जब तुम्हारे रिएक्शन में गैसेस रहेंगी। तो जब मैं C+D, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स करूंगा, तो इसको बोलूंगा डेल एन जी। क्या बोलूंगा? तो ये C+D - A+B क्या है? डेल एन जी। क्या है? तो केसी और आरटी पावर डेल एनजी किसके बराबर है बेटा? केपी के बराबर है। किसी भी रिएक्शन का केसी भी एक कांस्टेंट है और केपी भी एक कांस्टेंट है। केसी जो कांस्टेंट है वो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है, केपी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। और दोनों इक्वल नहीं है, दोनों सेम रिएक्शन के कांस्टेंट है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। लोग बोलेंगे सर वो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो दोनों की बराबर ही आएगी। वो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है, ये इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर है। उसकी वैल्यू अलग आएगी, इसकी वैल्यू अलग आएगी। अगर आपको एक पता है और आपको दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? ये है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। उसमें आपको केसी के साइड आरटी लेना है, पावर डेल एनजी लिखना है और उसको केपी के बराबर कर देना है। बात समझ में आ रही है क्या? इतना जल्दी से नोट डाउन करो और इस चीजों को समझो। हाँ, क्या समझ में नहीं है बेटा? बेटा ये समेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जितने भी प्रोडक्ट साइड गैसियस मोल्स है उन सबको जोड़ो, माइनस रिएक्टेंट साइड जितने भी गैसियस मोल्स हैं सबको जोड़ो, और प्रोडक्ट साइड के गैसियस मोल से रिएक्टेंट साइड के गैसियस मोल्स को माइनस कर दोगे तो उसको डेल एनजी बोलूंगा। अभी एग्जांपल करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है क्या? बोलो, आया समझ में तेरे को?
हो गया। चलो अब इसमें बेटा अलग अलग एग्जाम्पल करके देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि केपी किसमें बड़ा है, किसमें छोटा है, किसमें इक्वल है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास एक रिएक्शन है ऐसा, एग्जाम्पल वन, एन टू गैस प्लस थ्री एच टू गैस टू एन एच थ्री गैस, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप डेलेंजी निकालोगे तो डेलेंजी कैसे निकालते हैं बेटा, समेशन ऑफ टोटल गैसियस मोल्स ऑफ क्या, प्रोडक्ट माइनस टोटल गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पे है दो माइनस यहां पे थ्री और एक फोर, तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस टू। समझ में आया। अब यहां पे देखो केस वन लिखो पहले, केस वन, इफ डेल एन जी इज नेगेटिव, डेल एन जी क्या आ रहा है मान लो नेगेटिव, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है बेटा, कम है टोटल गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तभी तो डेल एन जी नेगेटिव आएगा ना। और डेल एन जी नेगेटिव आएगा तो केसी आरटी और डेल एन जी हम लोग रिलेशनशिप पढ़े हैं कि ये केपी के बराबर होता है। अब सोचो अगर डेल एन जी नेगेटिव है मतलब केसी में ये वैल्यू डिवाइड करोगे तब केपी आएगा, मतलब केसी बड़ा है, मतलब केसी केपी से बड़ा है, बोलो हाँ बेटा। डेल एन जी नेगेटिव है मान लो किसी रिएक्शन में, तो केसी में जब नेगेटिव है मतलब ये डिवाइड हो रहा है तब केपी के बराबर आ रहा है, मतलब केसी केपी से बड़ा है। तो यहाँ पे बेटा अगर ये माइनस टू आया है इसका मतलब यहाँ पे जो केसी की वैल्यू है वो केपी से ज्यादा आएगी, ठीक है क्या। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज दी हुई है आपको तो आप दूसरी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो इस रिलेशनशिप को यूज करके, ठीक है क्या, बोलो। चलो दूसरी बात, केस टू, इफ डेल एन जी इज इक्वल टू पॉजिटिव, इफ डेल एन जी इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर डेल एन जी क्या है पॉजिटिव है, जैसे एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, ये जो पी सेकेंड एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू, जैसे मान लो क्या है बेटा आपका पीसीएल फाइव है वो पीसीएल थ्री में और सीएल टू गैस में टूट रहे। अब यहां पे तुम डेल एन जी कैसे निकालोगे, जैसे तुम ऊपर निकाले थे तुम टोटल गैसियस मोल्स लोगे प्रोडक्ट के कितने, एक और एक दो, और पीसीएल फाइव से क्या करो पीसीएल फाइव के कितने एक, तो इसका डेल एन जी कितना हो जाएगा, टू माइनस वन, बोलो कितना आ गया वन, मतलब पॉजिटिव है। डेल एन जी की वैल्यू क्या है बेटा, डेल एन जी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे क्या था डेल एन जी की वैल्यू, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव और ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप को देखो, के सी आर टी डेल एन जी इज इक्वल टू के पी, ये अगर पॉजिटिव है तो केसी में ये पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है तब केपी के बराबर आ रहा है, मतलब केपी बड़ा है केसी से। यहां पे क्या होगा बेटा, केपी इज ग्रेटर देन केसी आएगा, बोलो हाँ, अरे बोलो बच्चों, आ रही बात समझ में, डेल एन जी कैसे निकालते हैं, आई आई बात समझ में। इसका थर्ड केस भी लिखते चलो साथ ही साथ, केस थ्री, एग्जाम्पल लिख लेना बेटा इसमें, ये सब एग्जाम्पल अलग लिखना और ये जो केस वन केस टू केस थ्री ये अलग लिखना, जैसे एच टू गैस प्लस सी एल टू गैस टू एच सी एल गैस,
यहां पे अगर तुम डेल एनजी देखोगे तो जीरो आएगा, कैसे, इधर टू, इधर भी टू, टू माइनस टू जीरो, बोलो हाँ। टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो बेटा केसी आर टी डेल एनजी इज इक्वल टू केपी। अब डेल एनजी जीरो है मतलब किसी का भी पावर जीरो मतलब वन, मतलब केसी केपी के बराबर। तो केसी केपी के इक्वल कब होता है, बड़ा कब होता है, छोटा कब होता है, ये हम लोग तीनों केस देख लिए। डिपेंड किस पे करता है, डेल एनजी पे डिपेंड करता है कि केसी बड़ा होगा कि केसी छोटा होगा कि बराबर होगा, बोलो हाँ कि नहीं। हाँ बेटा, थर्ड वाला बेटा H2Cl2 gives to HCl, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, यहाँ पे 1 है, तो डेल एनजी कैसे निकालता हूँ, टोटल गैसियस मोल्स लेता हूँ प्रोडक्ट के माइनस टोटल गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 तो 0 आ गया। अब देख Kc into RT और पावर डेल एनजी इज इक्वल टू केपी होता है। अब डेल एनजी कितना है, 0, तो जब कभी भी डेल एनजी जीरो रहेगा ना, केस थ्री जो है ना बेटा, केस थ्री लिख लेना, इफ डेल एनजी इज इक्वल टू जीरो, तो जब डेल एनजी जीरो रहेगा तो इसका पावर जीरो मतलब वन, केसी आरटी और यहां पे क्या हो गया बेटा, जीरो मतलब इस पूरी की वैल्यू क्या हो गई, वन, तो केसी केपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आया कि नहीं है, चलो लिख लो। ये जो केपी केसी है बेटा, ये सिर्फ गैसेस वाले रिएक्शन में ही एप्लीकेबल है, ठीक है, हर जगह आप इसको नहीं लगा सकते हो, ठीक है क्या। तो एक लाइन लिख लेना इसमें, ये लिखने के बाद लिख लेना, है ना, ये लिखने के बाद मैं तुम लोगों को लिखवा देता हूं। हो गया, उसमें याद रखना कि गैसियस मोल्स ही लेना रहता है हम लोगों, लिक्विड सॉलिड कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि डेल एन जी बोल रहा हूं ना बेटा, गैसियस मोल्स, टोटल गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है, अब लिख लो बेटा इसमें, जो लेट लिखता है ना, दो तीन बच्चे हैं एकदम ऐसा घूर घूर के देखते हैं ना, पता चला किसी दिन बाहर निकल के मार मत दे वो लड़कियां, तुम लोग जल्दी लिखा करो भाई, हैं यहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ तो लिखो बेटा, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी पावर डेल एन जी, मतलब रिलेशनशिप लिख लो, RT के ऊपर पावर क्या रहेगा, डेल एन जी, इज एप्लीकेबल फॉर बेटा वो रिलेशनशिप लिखना है, KP इज इक्वल टू KC RT डेल एन जी, है ना, बस उसके बाद क्या रिपीट करूं, इज एप्लीकेबल है ना फॉर गैसेज ओनली। हाँ अब बोल सकती थी, रिपीट करो कर, इज एप्लीकेबल है ना फॉर गैसेज ओनली, ठीक है। अब तुम लोग बताओ मेरे को कि केपी बड़ा, केसी बड़ा, कौन बड़ा, CaCO3 सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में टूटता है और CO2 गैस बनाता है,
इसका डेल एन जी बताओ, और केपी बड़ा कि केसी बड़ा कि इक्वल? ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसको कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे। तो डेल एन जी कैसे निकालेंगे? डेल एन जी 1 - 0, कई लोग कैसे बोलेंगे 1 + 1 = 2, कई लोगों का 1 ऐसे भी आ रहा है, ये 2 - 1 = 1, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे 1 - 0 मतलब 1, और डेल एन जी पॉजिटिव होता है बेटा तो केपी बड़ा होता है केसी से, क्योंकि केसी में आर टी मल्टीप्लाई करोगे तब केपी के बराबर आ रहा है, मतलब केपी इज ग्रेटर देन केसी। बोलो समझ में आया क्या? आया क्या बेटा? चलो क्वेश्चन लिखो एक और। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, इफ केसी इज इक्वल टू 20 mole per liter, इफ केसी इज इक्वल टू 20 mole per liter फॉर, इफ केसी इज इक्वल टू 20 mole per liter फॉर पीसीएल फाइव गैस, इक्विलिब्रियम का साइन लिखो, मतलब PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2, तीनों गैस है, PCl5 का डिसोसिएशन हो रहा है बेटा PCl3 और Cl2 में, ठीक है क्या? ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस देन केपी इज इक्वल टू, बताना है आपको, हाँ 1/12 लेके सॉल्व कियो, हाँ ठीक है, बन गया बेटा। देखो केसी 20 मोल पर लीटर दिया हुआ था, हम लोगों को रिलेशनशिप पता है केपी इज इक्वल टू केसी आर टी और पावर डेल एन जी, ठीक है। अब ये जो रिलेशनशिप था इसमें डेल एन जी कितना आएगा, PCl3 PCl5 का डिसोसिएशन हो रहा है, PCl3 और Cl2 में तीनों गैस है, तो 2 - 1 = 1, बोलो हाँ, कोई है क्या बच्चा जिसको समझ में नहीं आया? आ गया सभी को समझ में? ठीक है, तो बेटा ये हो गया 20 मोल पर लीटर, और आर जो होगा, देखो क्योंकि एटमॉस्फेयर की बात होगी, लीटर की बात होगी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं बेटा, देखो ये एटमॉस्फेयर प्रेशर जो आएगा कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में आएगा ना, या प्रेशर के टर्म्स में आएगा, तो यहाँ पे जो आर लेते हैं वो लेते हैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर कितना है बेटा 27 डिग्री सेल्सियस, बोलो हाँ 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब केल्विन में ही चेंज करना पड़ेगा, बोलो ना, फिजिकल केमिस्ट्री में टेम्परेचर केल्विन में लिया जाता है, बस चेंज को नहीं लिया जाता, मतलब डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं, तो टेम्परेचर 300 केल्विन हो गया, और यहाँ पे पावर 1 हो गया डेल एन जी। अब देखो ध्यान से, हमेशा स्टार्टिंग वाले पार्ट में ना बेटा यूनिट्स को देख के समझा करो, ये देखो ये पर मोल, ये मोल, ये लीटर, ये पर लीटर, ये केल्विन, ये पर केल्विन, क्या बचा है एटीएम,
अब देखो मैंने तुम लोगों को बताया बेटा कि 0.0821 लेने से अच्छा 1/12 ले लो, इंटू 300 कर लो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 100 और ये हो गया तुम्हारा 4, ये हो गया तुम्हारा 25। तो 25 एटमॉस्फेयर ऑस्मोटिक प्रेशर आता था, याद करो ऐसे ही रहता था सेम टू सेम। 25 ये 5 फोर्जा और ये कुछ छूट गया क्या, सब ठीक है ना? हाँ अच्छा अच्छा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो